नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए पीटीवी परदेसी पर आप हिमाची दर्पण द्वारा ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। हमने आपसे जैसे कि एक प्रॉमिस किया था कि आपको जो लाइव कवरेज भी आगे हम दिखाएंगे, आज हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर राजेंद्र सैनी फ्रॉम प्रवासी मीडिया ग्रुप। राजेंद्र सैनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके पीटीवी परदेसी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो आज आपने जो इतना बड़ा ये काम किया हुआ है, और हमारे जो सुनील ग्रोवर जी हैं, डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी जो कनाडा में आए हैं, वो एक आपकी देन है कनाडा को, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, इस टूर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो टीवी देखता हो और इंडियन टीवी चैनल देखता हो तो सुनील के बारे में ना जानता हो। तो सुनील को जब फेम मिली कपिल शर्मा के शो के बाद, ख़ास तौर पर डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी, गुत्थी, बड़े डिफरेंट करेक्टर्स उन्होंने किए, तो हम मैं भी उसी उन्हीं लोगों में से एक था। तो मेरा एक ड्रीम था कि कहीं ऐसा हो कि सुनील कनाडा आए और अलग अलग सिटीज़ में जाके परफॉर्म करें। तो ऐसा हुआ, कुछ सबब बना के उनका जन्मदिन था 3 अगस्त को, तो मैंने उनको विश किया तो जन्मदिन के लिए, तो बातों बातों में फिर बात हुई, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि काश कभी आप कनाडा आ सको, बड़ा अच्छा लगे। तो उन्होंने बोला जी मेरे पास 15 दिन का कोई ऐसा रूम है कि जब मैं आ सकता हूँ, वो 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, पहले भी शो है उनके, बाद में भी शो है। तो बात फिर ऐसे चलते चलते, मुझे खुशी है कि वो बात मैच्योर होती गई और आज आपके सामने है ये सब, आप देख रहे हैं कि वो ड्रीम, वो सपना पूरा हुआ। और सुनील जी एक नहीं, दो नहीं, 6 शोज़ में 7 शोज़ में परफॉर्म करेंगे सारे कनाडा के अलग अलग शहरों में। तो शुरुआत उनकी मॉन्ट्रियल से होने जा रही है, जो लोग मॉन्ट्रियल में अगर प्रोग्राम देख रहे हों तो 20 को मॉन्ट्रियल में, 21 को टोरंटो में, 22 को ऑटवा में, 27 को एडमिंटन में, 28 को कैलगरी में, और लास्ट शो 29 को फिर वैंकूवर में। एक लास्ट क्वेश्चन राजेंद्र सैनी जी, आप हमेशा हर साल इतने बड़े शो करवाते हैं, आपने फीफा जो है सबसे बड़ा जो एक लैंडमार्क जो है पंजाबी कम्युनिटी के लिए सेटअप किया है, पूरे वर्ल्ड में आपने जो है नाम दिया है पंजाबी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, तो अब इसमें इस बार आपने जो है ये कॉमेडियन शो ही क्यों चूज़ किया है? नहीं देखो, ऐसा है, म्यूज़िकल शो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और होते रहते हैं, लेकिन जिस कंट्री में हम रहते हैं, हम सब जानते हैं कि इतनी स्ट्रेस है हम पे, दिन भर हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसे में कोई ऐसा बंदा आए जो हमको एंटरटेन भी करे, अच्छी कॉमेडी भी करे और हमें हंसाए कुछ पलों के लिए ही सही, हमें उस टेंशन से दूर लेके जाए, तो कौन नहीं चाहेगा? तो मुझे लगता है इससे बढ़िया, सुनील से बढ़िया फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना बढ़िया एंटरटेनर है, तो मुझे लगता है ये सारा सुमेल हो रहा है। तो देखिए दर्शकों, कि जैसे कि राजेंद्र सैनी जी ने बताया है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ का जो है वो दूर करने के लिए एक दिवाली का ये गिफ्ट है, तो आप सबसे अनुरोध है कि गिफ्ट को जो है स्वीकार कीजिए और मैक्सिमम इस शो में जो है आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ आइए, और डेफिनेटली हम वी आर श्योर सैनी साहब की जो टिकट्स है बहुत जल्दी बिक रही हैं, तो फिर भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टिकट। नहीं जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टिकटें खरीद ली हुई हैं, उनकी सब सीटें सिक्योर हो चुकी हैं, कुछ टिकटें अभी थोड़ी सी बची हैं, तो अभी भी कोई व्यक्ति सोच रहे थे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अब कल के बाद मुझे लगता नहीं कि टिक वो बाकी बचने वाली हैं, तो जो ले लेंगे अच्छी बात है, जो नहीं लेंगे फिर वो पछताएंगे, तो हम तो उसके लिए कसूरवार नहीं होंगे ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर टिकटें लें, अपनी सीट्स अच्छी लें और इन्जॉय करें शो को। थैंक यू जी। तो ये थे राजेंद्र सैनी जी, पीटीवी परदेसी हिमाची दर्पण। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए पीटीवी परदेसी पर हिमाची दर्पण द्वारा ये प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, आपको मिलाएंगे डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी कनाडा में टोरंटो में हमारे साथ हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू जी, थैंक यू भाग्य जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप इनका ओरिजिनल नाम जो है वो इनके मुंह से ही सुनिए, आपने जो है इनको सिर्फ इनके करेक्टर्स में देखा होगा, तो इनकी इंट्रोडक्शन जो है ये है सुनील ग्रोवर जी। एक ऐसा चेहरा जो रोते को हंसा देते हैं, जिन्होंने लाखों लाखों मुस्कानें चेहरों को दी हैं, और इस कंट्री में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में हम रहते हैं, तो हम रहते हैं एक स्ट्रेस के साथ, उस स्ट्रेस को हटाने। क्यों रहते हैं आप? इतनी अच्छी हवा है, ठंडी हवा है, पैसे कमाते हैं आप, अच्छी गाड़ियां चल रही हैं आपकी, क्यों स्ट्रेस किस चीज़ का जी? देखिए जी, फाइनेंशियल स्ट्रेस यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रेस है। अच्छा, इसीलिए मुझे लगता है जो सैनी साहब ने, प्रवासी मीडिया ने, प्रवासी एंटरटेनमेंट ने जो डिसीज़न लिया है, वो ये डिसीज़न लिया है कि इस बार ऐसा काम किया जाए कि लोगों के जो शिरकत से जो है स्ट्रेस निकाला जाए,
दिमाग से जो है स्ट्रेस निकाला जाए, और भगवान ने आपको वो कला बख्शी है कि आप लोगों को मुस्कान। मैं बहुत खुश हूँ, दिवाली का टाइम है, सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन के माहौल में मिठाइयाँ खा रहे हैं, और उसी खुशी हंसी खुशी के माहौल में मैं भी ये एक हंसी का फव्वारा लेके आया हूँ। तो इस फव्वारे के छींटे पड़ेंगे कनाडा में, और सब लोग मिलके हम लोग एंजॉय करेंगे। तो थोड़ा सा इस टूर के बारे में और बताना चाहेंगे आप? ये इसमें देखिए शोज है, कॉमेडी शोज है, और मैं परफॉर्म करूँगा अलग अलग कैरेक्टर्स बन के, और लोगों को से इंटरेक्ट करूँगा, और हम लोग हंसेंगे खेलेंगे, दिवाली मनाएंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन और जो है कि अगर जो आपने कॉमेडियन एक मुकाम जो हासिल किया है जी, ये आपने कब अपनी लाइफ पे ऐसा कब डिसीजन आप में आया कि मैं जो है अब इसी में जो अपना जो है करियर जो है सेटअप करने वाला? जैसे लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, लोगों ने प्यार देना शुरू किया, तो मैंने कहा हाँ यही ठीक है इससे यहाँ से निकलना। थैंक यू भाग्य जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली। हेलो, मैं हूँ सुनील ग्रोवर, और आप देख रहे हैं हिमाचली दर्पण ऑन परदेसी टीवी।